हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता। मेरी चैनल कुक विद ममता में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक समर ड्रिंक। जी हाँ, हम बनाएंगे रोज जैम ड्रिंक या गुलकंद शेक। फ्रेंड्स, गुलकंद या रोज जैम का टेस्ट हम सभी को भाता है और ये हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है हम सभी जानते हैं। गुलकंद रोज पेटल एंड शुगर से बनाया जाता है और इसी का यूज करते हुए हम गुलकंद ड्रिंक बनाएंगे। समर्स में इसे पीने से थकान और सुस्ती दूर होकर बॉडी को रिलैक्स मिलता है और स्ट्रेस कम होता है और गर्मी से भी काफी राहत मिलती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं रोज जैम ड्रिंक या फिर गुलकंद शेक। दो ग्लास शेक बनाने के लिए हम लेंगे 1.5 ग्लास ठंडा दूध, 1.5 टेबल स्पून गुलकंद, ये मार्केट में अवेलेबल है, और 1 टेबल स्पून मिश्री पाउडर और 1 टेबल स्पून हनी या शहद। अगर मिश्री पाउडर और हनी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसके स्थान पर 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर यूज कर सकते हैं। और ये 2 हरी इलायची का पाउडर है और ये थोड़े आइस क्यूब्स हैं और ये थोड़ा हमने रुआब्जा सिरप ले लिया है। मिक्सी के मिक्सर जार में गुलकंद डाल देंगे और हनी, मिश्री पाउडर, इलायची पाउडर, और 1 टीस्पून रुआब्जा सिरप डाल देंगे। इसमें मिल्क ऐड करेंगे और ये आइस क्यूब इसमें डाल देंगे। लिड बंद कर देंगे। अब इसे 1 से 2 या 1.5 मिनट तक ग्राइंड करेंगे। गुलकंद शेक रेडी हो गया है और इन्हें ग्लासेस में डालने से पहले हम ग्लासों को रुआब्जा सिरप से इस तरह से गार्निश कर लेंगे। इस तरह से आप अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग किसी तरह से भी इन्हें गार्निश कर सकते हैं। ग्लास हमारे रेडी हो गए हैं, अब इसमें हम ये ड्रिंक डाल देंगे। तो मैंने थोड़ा रुआब्जा से और रोज पेटल से गार्निश कर दिया है। लीजिए, ये ड्रिंक तैयार है। अब आप इसको बनाएं, प्लीज शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल कुक विद ममता को सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।